हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। आज की जो हमारी वीडियो है फ्रेंड, उन लोगों के लिए है जिनके पास जगह जो है बिल्कुल भी नहीं है और जो गमले भी नहीं खरीदना चाहते हैं और किस तरह से बिना गमले और कम जगह में भी बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड है और स्टैंड पे जितने भी प्लांट्स लगे हुए सारे के सारे हमारे घर से निकलने वाले कबार हैं, जिसे हम कूड़ा कचरा समझ कर इस तरह से फेंक ही देते हैं या फिर कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी मैंने ढेरों प्लांट जो हैं वो लगा के रखे फ्रेंड। तो इस तरह से हम ये जो हमारे घर से निकलने वाले बेकार सामान होते हैं जिसे हम कूड़ा कचरे में फेंक देते हैं, उसमें भी हम ढेरों प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। मेरी गार्डनिंग जो है इस तरह से फ्री की गार्डनिंग से ही शुरुआत हुई थी फ्रेंड, और इसी तरह से कबार में ही मैंने अपने सभी प्लांट्स को लगा कर शुरुआत की थी। तो हम बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग जो है वो बिना गमले खरीदे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह जो है वो बिल्कुल कम है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो गमले हैं या फिर ये जो हमारे घर से निकलने वाले बेकार सामान है ये आपकी जगह जो है बहुत ही कम लेंगे फ्रेंड। ये मात्र 3 या 4 इंच तक के ही हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे जो छोटे छोटे इस तरह के जो डब्बे हैं ये बहुत ही कम जगह लेते हैं, क्योंकि इनकी आप देख सकते हैं इनकी हाइट जो है वो बहुत ही कम रहती है। कोई कोई तो इस तरह से 2 ही इंच के ही हैं, कोई 2 इंच के, कोई 4 इंच के, कोई 5 इंच के। तो इतने छोटे छोटे पॉट में भी हम प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं और कम से कम जगह में भी इनको हम रख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि वो सारे कबाड़ जो है जो कि हमारे घर से निकलते हैं और जिसे हम डेली डेली इस तरह से कूड़े कचरे में फेंक ही देते हैं, तो उसमें भी हम प्लांट जो है वो लगा सकते हैं फ्रेंड। और ये जो प्लांट है इसमें सालों साल तक चलते भी रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये जो छोटे छोटे हमारे घर से निकलने वाले कबाड़ हैं इसमें प्लांट जो है वो नहीं चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे सारे प्लांट जो हैं इसमें लगे हुए हैं और काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, बल्कि आप कह सकते हैं कि कोई कोई प्लांट तो कई कई सालों से इसमें लगे हुए हैं, जो कि मैं अक्सर आप लोग से शेयर भी करती हूँ। हमारे घर से निकलने वाला कोई भी सामान जो है वो कबाड़ नहीं होता फ्रेंड। वो जो भी सामान हो, छोटे छोटे पॉट्स हो, छोटे छोटे डब्बे हों, सभी का यूज़ हम कर लेते हैं। जैसे कि मिठाई के डब्बे हो गए, मशरूम के डब्बे हो गए, हॉर्लिक्स के डब्बे हो गए, या फिर इधर आप देख सकते हैं ये आइसक्रीम के डब्बे हो गए या फिर दही के जो डब्बे हैं वो हो गए। तो इस तरह से हम सभी का यूज़ जो है, इधर आप देख सकते हैं ये जो है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स हो गए या फिर ये पेंट के डब्बे हो गए, सभी का यूज़ जो है हम गार्डनिंग में बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो वही आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये छोटे छोटे जो मिठाई के डब्बे होते हैं फ्रेंड, ये हम सभी के घरों में आते ही रहते हैं और अक्सर हम इसे यूज करने के बाद ये जो डब्बे हैं कूड़े कचरे में इसी तरह से फेंक ही देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ढेरों जेट प्लांट जो है, इसी छोटे छोटे मिठाई के डब्बों में मेरे ढेरों जेट प्लांट जो है लगे हुए हैं। ये एक सूप प्लांट होता है फ्रेंड, और इस तरह से छोटे छोटे डब्बों में भी बहुत ही आसानी से ये जो प्लांट है लग जाते हैं, चल जाते हैं। तो इन छोटे छोटे डब्बों में भी हम बहुत सारे प्लांट जो है लगा सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं कि यह है आइसक्रीम का डब्बा। तो आइसक्रीम के डब्बे जो हम आइसक्रीम खाने के बाद इसके जो डब्बे होते हैं उसे हम कूड़े कचरे में फेंक ही देते हैं। तो इसे मैंने एक सुंदर सी जेट प्लांट की टोपियारी जो है बनाई है फ्रेंड। और इधर मेरे ढेरों मिठाई के डब्बे हैं, देख सकते हैं। इसे मैंने, ये भी एक मिठाई का डब्बा है, इसे मैंने इस तरह से पान के प्लांट की कटिंग लगाई है और बहुत ही अच्छे से जो प्लांट मेरा चल रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कि ये भी एक मिठाई का डब्बा है, इसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे स्नेक प्लांट जो है वो इसके पत्ते लगाए हैं। तो ये जो स्नेक प्लांट है एकमात्र पत्ते से भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप जितने भी स्नेक प्लांट देख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे एक पत्ते से ही ग्रो हुए हैं। इधर भी कुछ स्नेक प्लांट है मेरे जो कि एक पत्ते से ही ग्रो हुए हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं, ये जो जिसे हम इस तरह से फेंक ही देते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं फ्रेंड। तो इधर आप देख सकते हैं, इससे मैंने मनी प्लांट की एक वैरायटी लगाई है, ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं। तो ये जो मिठाई के डब्बे हैं इसे अगर आप पेंट कर देंगे तो ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। एक मिठाई का डब्बा ही, और देख सकते हैं ये डब्बे कितने छोटे छोटे हैं, मात्र ये 3 या 4 इंच के ही होंगे। और इसे मैंने इस तरह से जेट प्लांट की, ये इसे मैंने पिकॉक का शेप देने की कोशिश की है फ्रेंड। और देखिए मेरा जो जेट प्लांट है ये छोटे से मिठाई के डब्बे में ही कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं बहुत ही यूजफुल होते हैं फ्रेंड। तो अगली बार अगर आप इन्हें फेंकना चाहेंगे तो उससे पहले आप सोच लीजिएगा 10 बार कि इसमें हम कौन प्लांट जो है लगा सकते हैं। देखिए मैंने ढेरों मिठाई के डब्बे में इस तरह से जेट प्लांट के अच्छा खासा कलेक्शन जो है वो रेडी करके रखा है। देखिए ये भी हमारे किचन से निकलने वाला एक कंटेनर है जिसे हम फेंक देते हैं, इसमें भी मैंने ये जेट प्लांट को लगा के रखा है। आज की हमारी वीडियो देखने के बाद आप अपने घर से निकलने वाले कोई भी कबाड़ को फेंकने से पहले सोचिएगा कि उसमें हम कौन प्लांट लगा सकते हैं। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, जो कोलियस का प्लांट था, और ये इस तरह के रसगुल्ले के, ये भी मिठाई के डब्बे ही हैं जो कि बड़े वाले डब्बे जो आते हैं, तो उसमें मैंने कोलियस लगाया है देखिए, और इसमें भी मैंने कोलियस लगाया है। इस तरह से आप उसमें उसे अगर पेंट कर देंगे उसमें सुंदर सा कुछ भी बना देंगे, जो भी आपको आसान लगे उसे आप बना सकते हैं। देखिए दोनों में मैंने कोलियस लगाया, कितने अच्छे से मेरे कोलियस जो है वो
चल रहे हैं। तो इधर मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती हैं ये भी काफ़ी यूजफुल होती है। फिर 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है, फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे गार्डनिंग में। मैंने इस तरह से ढेरों कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ढेरों प्लांट जो है लगा के रखे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही प्लांट जो है दिखा रही हूँ। इसमें ये जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स है इसमें बड़े बड़े प्लांट भी बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं। चलिए इधर मेरे प्लांट रखे हुए मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये भी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स ही है और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो आप देख सकते हैं ये जो ड्रेसिना का प्लांट है लगा है और कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें हम बड़े बड़े प्लांट भी लगा सकते हैं। इधर देखिए ये भी एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ही लगा हुआ है और ये है मेरा क्रोटन का प्लांट। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में हम मात्र छोटे छोटे प्लांट ही लगा सकते हैं। ये कोलियस तो किसी भी छोटे छोटे पॉट में भी बहुत ही आसानी से लग जाता है और चलते रहता है, बल्कि हम कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल्स में इस तरह से ड्रेसिना के प्लांट को, क्रोटन के प्लांट को या फिर जो भी सो प्लांट हो उसे लगा सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स होती है फिर 2 लीटर वाली, ये तो काफ़ी यूजफुल होती है हमारी गार्डनिंग में। और इसका तो मैंने जमकर यूज़ जो है अपने गार्डन में किया है। मैंने इसमें ढेरों प्लांट जो है लगाया, देख सकते हैं इसमें मेरा ड्रेसिना का प्लांट लगा हुआ है और जो कि 1 साल से इसी में लगा हुआ है। तो ये जो बोतल्स होती है कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स, ये जो हम गमले खरीदते हैं मार्केट से उससे कई गुना मजबूत होती है फ्रेंड, पर जगह जो है वो बहुत ही कम है। आप बड़े बड़े गमले जो है नहीं रख सकते फ्रेंड। तो इस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल्स में ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं जो लगा सकते हैं और इसमें जो प्लांट है 1-2 साल तक आराम से चल जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो प्लांट है इसमें लगा के रखे हैं। तो मैं अक्सर जो प्लांट होते हैं फिर सभी को गिफ्ट में देती रहती हूँ। तो किसी को भी मैं प्लांट जब गिफ्ट में देती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि ये जो प्लांट है इसे लगाने के लिए अभी हमें हमारे पास गमले जो है नहीं हैं, अब तो हमें गमले जो है वो खरीदने पड़ेंगे तभी हम वो प्लांट जो है लगा सकते हैं, कैसे लगाएँगे। तब मैं उन्हें बताती हूँ कि क्या प्लांट को लगाने के लिए गमले ही चाहिए होते हैं। प्लांट को लगाने के लिए बिना गमले के भी हम प्लांट लगा सकते हैं, हमारे घर में ही बहुत सारे गमले जो है पाए जाते हैं, बस उसे आपको कट करना है और उसमें प्लांट्स लगा देना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें प्लांट्स को लगाने के लिए गमले ही खरीदने पड़ेंगे फ्रेंड, बिना गमलों के भी हम प्लांट जो हैं वो लगा सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इधर दही के डब्बे हैं, दही के डब्बे में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया है और देखिए जो दही के डब्बे होते हैं ये तो अच्छे बड़े होते हैं, देख सकते हैं इसमें इस तरह से प्लांट आप अगर एक बार लगा देंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका प्लांट जो है चलता रहेगा। इसमें देखिए मैंने इसमें एक और दही का डब्बा, इसमें मैंने सिंगोनियम के प्लांट को लगा के रखा है और देखिए मेरा सिंगोनियम का प्लांट जो है कितना हेल्दी, कितना भूसी इसी में, कितने अच्छे से चल रहा है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं जो सिंगोनियम का, इसमें लगभग 1 साल से इसी में चल रहा है। इसे मैं फिर से वापस से इसमें रिपोर्ट कर देती हूँ जब इसके जड़ जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसे वापस से इसी में रिपोर्ट कर दीजिए। इस तरह से आपकी जो कम जगह की समस्या है और जो गमले की समस्या है वो तो दूर हो जाएगी बिल्कुल। अगर आपके पास एक छोटी सी बालकोनी है या फिर एक छोटा सा विंडो है तब भी आप इन छोटे छोटे डब्बों में ढेरों प्लांट लगाकर रख सकते हैं फ्रेंड और गार्डनिंग को एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉट्स आते हैं ये भी काफ़ी छोटे होते हैं, मात्र 3 या 4 इंच के ही होते हैं। और देखिए इसमें मैंने ड्रेसिना का प्लांट लगा हुआ है और कितने अच्छे से ये जो छोटी वैरायटी का ड्रेसिना है ये बहुत ही कम जगह लेता है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्लांट को छोटे छोटे डब्बों में लगा सकते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े बड़े प्लांट भी लग सकते हैं। देखिए इधर मैंने सिंगोनियम को लगा के रखा और इधर तो मैंने आपको दिखाया ड्रेसिना, क्रोटन और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि मैंने लगा के रखे हैं और अक्सर मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। और इधर ये जो हमारे घर से निकलने वाले बैटरी की जो पानी वाली जो बैटरी की इस तरह से बड़े बड़े बोतल्स आते हैं तो उसमें कट करके आप ढेरों प्लांट जो है लगा सकते हैं और इसमें प्लांट जो है हमारे 1-2 साल तक चलते भी रहते हैं। और ये जो आप पॉट देख रहे हैं ये भी काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। ये जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं हमारे घर से निकलने वाले कबार होते हैं, इसमें मिट्टी भी बहुत ही कम लगती है फ्रेंड। तो आपको आपकी बड़े बड़े पॉट में तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगती है, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं इसमें मिट्टी भी काफ़ी कम लगती है फ्रेंड। इसके नीचे अगर हम सूखे पत्ते या फिर हमारे किचन वेस्ट भर देंगे तो काफ़ी कम मिट्टी में भी हम बहुत ही अच्छे से प्लांट जो है लगा सकते हैं। और ये जो प्लांट है इस तरह से आपके 1-2 साल तक इसमें चलते भी रहते हैं बहुत ही आराम से। तो आप बेफिक्र होकर इन छोटे छोटे डब्बों में प्लांट्स लगा दीजिए और अपनी गार्डनिंग को इन्जॉय कीजिए। इस तरह से आप फ्री में गार्डनिंग जो है कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और ये जो प्लांट है आप, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लांट है कहीं भी आपको अपने आस पास उसमें दिख जाए तो ये सारे प्लांट जो है वो कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं फ्रेंड। और अभी तो मानसून का सीजन चल रहा है, आपको कहीं भी ये जो प्लांट है दिख जाए, जैसे कि ये देख सकते हैं आप ये कोलगेस, ये तो मात्र 1 या 2 इंच की कटिंग से लग जाते हैं। तो इसकी छोटी छोटी इस तरह से 1 या 2 इंच की कटिंग लीजिए और उसे आप इसी तरह के कबाड़ में लगा दीजिए तो आपका जो प्लांट है इस तरह से कबाड़ में बहुत ही आसानी से जो प्लांट है लग जाएगा। देखिए ये मात्र छोटी छोटी कटिंग से लग जाते हैं। इधर आप देख रहे हैं कि ये सारे जो जेट प्लांट है ये भी 1 या 2 इंच की कटिंग से ही लग जाते हैं। तो कहीं भी आपको जो प्लांट है दिख जाते हैं तो उसकी 1 इंच की कटिंग भी आप ले आइए।
और जो स्नेक प्लांट मैंने आपको दिखाया ये तो मात्र एक पत्ते से ही ग्रो हो जाता है, और इधर जो पान का प्लांट आप देख रहे फ्रेंड ये भी बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। तो कहीं आपको दिखते हैं ये मनी प्लांट की तरह ही होते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं इसमें नोडेरिया बनी रहती है। इस तरह से आप पान के प्लांट को भी लगा सकते हैं। और ये अरेलिया हो गया, ये भी कटिंग से लग जाता है, तो इसके भी प्लांट आपको कहीं दिखते हैं तो इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है ले लीजिए इस तरह से एक या दो इंच की, तो ये जो प्लांट है कटिंग से रेडी हो जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं ये एलोवेरा है, तो एलोवेरा में तो ढेर सारे बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, तो इस तरह से आप फ्री में एलोवेरा के प्लांट को भी बना सकते हैं। ये बहाने जो हैं वो नहीं चलने वाले हैं कि हमारे पास तो जगह भी नहीं है, हमारे पास तो गमले भी नहीं हैं, और नहीं हमारे पास प्लांट से किसी भी चीज़ की तो हम कैसे गार्डनिंग करें, और नहीं हमारे पास मिट्टी है। तो आप बहुत ही आसानी से गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो सारे टिप्स जो है दे दिए हैं जिससे कि आप फ्री में गार्डनिंग जो है कर सकते हैं। क्योंकि हमने भी इसी तरह से फ्री में ही गार्डनिंग की शुरुआत की थी, हमने भी कोई गमले जो है नहीं खरीदे थे और नहीं हमने कोई प्लांट्स खरीदे थे, फिर भी आप देख सकते हैं हमारे पास कितने सारे इस तरह से प्लांट्स लगे हुए हैं, और वो भी फ्री के इस तरह के गमलों में। इसे हम गमले का रूप देते हैं, जो भी हमारे घर से कबार निकलते हैं सभी को हम इस तरह से गमले का रूप दे देते हैं, और उसमें प्लांट्स भी लग जाते हैं। देखिए ये सिंगोनियम का प्लांट दही के डब्बे में लगा है, सिंगोनियम के प्लांट को भी आप फ्री में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसमें नोड एरिया जो है बनी रहती है, तो यहीं से आप इसे कट करेंगे और लगा देंगे तो आपका सिंगोनियम का प्लांट जो है फ्री में रेडी हो जाएगा फ्रेंड। तो आज मैं वो सारे टिप्स आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप फ्री में भी प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट, तो स्पाइडर प्लांट में ढेर सारे इसके रनर्स निकले रहते हैं, तो एक भी छोटे से बेबी प्लांट को आप लगा देंगे तो आपके हजारों स्पाइडर प्लांट जो है फ्री में बन जाएंगे। और ये है क्लांचो का प्लांट, तो ये भी मात्र एक छोटी छोटी कटिंग से, ये जो प्लांट तो एक मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है फ्रेंड। इसके जो पत्ते हैं इसे इस तरह से अगर आप मिट्टी में रख भी देंगे तो ये जो प्लांट है आपका इसमें रूट जो है बन जाती है। तो इस तरह से आप हम फ्री में प्लांट जो है वो ढेरों प्लांट फ्री में बना लेते हैं। अभी बहुत ही बढ़िया टाइम चल रहा है, मानसून का सीजन है फ्रेंड, तो इस समय हम किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हमारी जो कटिंग है लग जाती है। तो जो भी प्लांट आपको अपने आसपास में दिखता है उसकी छोटी छोटी कटिंग जो है ले आइए और अपने घर से निकलने वाले इन कबार में लगा दीजिए। इस तरह से आप भी फ्री में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं।